देश में बैंकिंग सुविधाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के मकसद से वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अब देश के 400 जिलों में ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में आयोजित कार्यक्रम में 3 से 5 अक्टूबर तक 250 जिलों में इसे शुरू किया गया, जिसके बाद अन्य 150 जिलों में दूसरे चरण को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक मंच पर ग्राहकों को विभिन्न लोन सुविधा मुहैया करवाने से लेकर बैंक खाते खोलने और ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सहित केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की जानकारी देना है। यूको बैंक धर्मशाला अचल कार्यालय के उप महाप्रबंधक सत्यपाल सिंह कलसी द्वारा बिलासपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यूको बैंक कोलकाता अचल कार्यालय के महाप्रबंधक संजय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका अदा कर रहे यूको बैंक को वित्त मंत्रालय द्वारा बिलासपुर में ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का दायित्व सौंपा गया है, जिसके जरिए 4 और 5 अक्टूबर को नगर परिषद बिलासपुर मैदान में 15 बैंकों द्वारा इंस्टॉल लगाकर बैंकिंग सुविधा से संबंधित जानकारी दी जाएगी। यूको बैंक धर्मशाला जोन के उप महाप्रबंधक सत्यपाल सिंह कलसी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर जिला की जनता से कार्यक्रम में पहुंचकर बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। नूरपुर के सुलियाली पंचायत में सरेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। पंचायत घर के गेट के बिल्कुल साथ किसी की पुरानी दुकान के सामने ढेर लगा हुआ है, जो सरेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सुलियाली पंचायत घर के पास लगा ढेर स्वच्छता के अभियान की पोल भी खोल रहा है। जब इस बारे में सुलियाली पंचायत के प्रधान किमी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत घर के बाहर जो सामान का ढेर फेंका हुआ है, उसके बारे में उक्त व्यक्ति को कई बार बोल चुके हैं, पर उसने अभी तक सामान नहीं उठाया है। पंचायत द्वारा उक्त व्यक्ति को सामान उठाने का नोटिस भी दे दिया गया है। पंचायत के उप प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि यहां पर स्थित खोखे का मलवा पंचायत घर के बाहर फेंका हुआ है। पिछले कल भी इस बारे में चर्चा की गई थी, पंचायत द्वारा नोटिस निकाला गया है और फिर भी मलवा नहीं उठता है तो पंचायत कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के SDO सुखविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, जो कि विभाग द्वारा उखाड़ दिया गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा सामान पंचायत घर के बाहर रख दिया गया था। वो सामान हमारे एरिया में नहीं है, वो पंचायत की जगह पर पड़ा हुआ है। वहीं वार्ड सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि ये खोखा किसी राजनीति से संबंधित व्यक्ति का था, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा उखाड़ा गया है। इन्हें इसे उठाने के लिए बोला गया था, पर इन्होंने आज तक नहीं उठाया है और उठाने से भी मना कर दिया है। हमीरपुर से BJP सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने एक ही दिन में हमीरपुर व मंडी जिला के दौरा करने के बाद देर शाम बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी सुनी। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की पछाड़ व धर्मशाला सीट पर होने वाले उपचुनाव में BJP उम्मीदवारों की रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का दावा किया, तो साथ ही हरियाणा व महाराष्ट्र में हुए पंचायती राज व नगर परिषद सहित उपचुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा के चुनावों में भी पार्टी की शानदार परफॉर्मेंस होने का दम भरा।
अनुराग ठाकुर ने भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन को लेकर पहले चरण में जमीन अधिग्रहण पर 20 किलोमीटर का काम शुरू होने और दूसरे चरण में अगले 20 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होने की बात कही।